हे गाइस, सो गाइस आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक और नई अमेजिंग ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज इस वीडियो में हम आज कुछ स्पेशल ज़्यादा नहीं करने वाले, लेकिन आज का वीडियो आप लोग ब्लॉग बोल भी सकते हो या वीडियो जो कुछ अपने मर्जी में आए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सेकेंड जो वीडियो किया था ना वो एक ब्लॉग ही मैंने बोल दिया था, वो अनबॉक्सिंग था, तो आज वही फिर से हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आज हम लोग ये अनबॉक्सिंग करेंगे पेटीएम मॉल। तो मेरे एक दोस्त ने बोल दिया था कि मैं जो चीज़ ऑर्डर देता हूँ या मेरे भैया ऑर्डर करते हैं सब चीज़ का क्या मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। मेरा आंसर है नहीं, सब कुछ का अनबॉक्सिंग नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि ये देख लो, अगर मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से अगर ग्रोसरीज ऑर्डर दे दूँ तो इसका तो मैं अनबॉक्सिंग थोड़ी ना करूँगा। कुछ कुछ स्पेशल चीज़ होते हैं जो हमको अनबॉक्सिंग करना पड़ता है। कोई हमको प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन मुझे ये अनबॉक्सिंग करने में बहुत मज़ा आता है। हर चीज़ का ही मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट्स है जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, लेकिन आज मैं इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ गाइस। तो गाइस पहले सेकंड ब्लॉग की तरह आज मैं इसको भी सैनिटाइज करूँगा। ये देखो स्पेशल सैनिटाइजर मेरा। ये सैनिटाइजर नहीं, ये आप लोग बोल सकते हो डिसइनफेक्ट लिक्विड है, क्योंकि मैंने इसमें डेटल मिक्स किया है, डेटल पानी। पहले ये इसमें पूरा कोलिन था, कोलिन को बहुत पहले ही ख़त्म हो गया है। इसके बाद मैंने इसको पूरा पानी से भर दिया। ओके, पानी से भरने के बाद मैंने इसमें डेटल लिक्विड मिक्स किया, लिटरली थोड़ा सा मिक्स किया। वो लेमन या लाइम समथिंग इस फ्लेवर का ही था। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा स्पिरिट मिलाया और इसके बाद मैंने मिलाया सुथल थोड़ा सा मिलाया। और इसके बाद मेरा एक बूंद सिर्फ एलोवेरा जेल मिला है और कुछ नहीं। तो इससे मेरा शेक करके ये डिसइनफेक्ट लिक्विड हो गया। तो दूध मैं अभी इसको करने जा रहा हूँ डिसइनफेक्ट। ये देखो स्टे होम स्टे सेफ, और जो कुछ भी आप लोग ऑर्डर करो प्लीज़ ये डिसइनफेक्ट कर लो तो अच्छा ही जाएगा। ओके, सो गाइस ये हो गया डिसइनफेक्ट थोड़ा सा। ओके, और इसके बाद मैं इसको पोंछ भी लेता हूँ। नीचे पूरा पानी भर गया पानी से। अभी ये हो गया एकदम पूरा डिसइनफेक्ट। और इसको चलो अभी करते हैं सेकंड ब्लॉक की तरह। कट। अभी जो मैं हम आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ कैवी नेवी। तो डू लेट्स अनबॉक्स। 2000 years later. अबे साले ये क्या निकला है? और इसके अंदर क्या है? नहीं और कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो स्लिप वगैरह है, इसको मैं बाद में दिखा दूंगा, कुछ नहीं है। तो ये देखो मैंने हमारे जो जिंदगी का शूटिंग चल रहा है ना, इसलिए और दूसरा भी रीज़न मेरे ब्लॉग्स के लिए और कुछ कुछ रीज़न्स है, इसलिए मैंने ये माइक ऑर्डर किया था, मतलब मेरे भैया ने ऑर्डर किया था इसको पेटीएम मॉल से। फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मेरे भैया को पेटीएम मॉल से ऑर्डर करना पड़ा। प्राइस को कि इसका प्राइस है समथिंग 220 प्लस डिलीवरी चार्ज समथिंग ऐसा ही कुछ। ओके, यहाँ पर टिकटॉक लिखा है, लिखिंग में इस टिकटॉक के लिए मैं लिखा रहा है टिकटॉक को ऐसे 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 दबा के नोट लूँगा टिकटॉक। वो अलग बात है, मैं एक समय टिकटॉक करता था लेकिन अब तो नहीं, अब तो बैंड हो गया। सो डू सॉरी, और जो भी टिकटॉक Seriously, what the fuck are you doing? तो को बाहर निकालते हैं। ये देखो टैंटन, ये आ गया है मेरा माइक। सो गाइस अभी इसको ओपन करते हैं। हाँ, ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा ही दिखेगा आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पर एक क्लिप सिस्टम कुछ है, इसको कैसे, हाँ यहाँ पर तो एक जेट लाइन है। ओके, और यहाँ पर तो क्या पड़े क्या, हाँ मिल गया मुझे। इसके
की जरूरत थी एक क्लिप सिस्टम वो, ठीक है ये रख देता हूँ और मैं बाकी चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको कट कर दूँ ऐसे, तो इसका ये बाहर आ जाएगा। ओके ये देखो ये कुछ क्लिप वगैरह है, ये मैंने ऐसे ही खोल के दिखा दिया, कुछ अंतर नहीं है इसमें। चलो इसको बोझ कर फेंक देते हैं। चलो अब जैसे इसमें और गाइस मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने जो उस डिसइंफेक्ट तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, ये मैंने सिर्फ घर के लिए बनाया है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, मतलब डिसइंफेक्ट जो मैंने लिक्विड बनाया था। हाँ ये इसके स्प्रेयर में मैंने डिसइंफेक्ट लिक्विड डाल दिया। ओके सो टूट गए, सॉरी मैंने माइक पर डिसइंफेक्ट लिक्विड डाल दिया, ये क्या हो गया, सॉरी गाइज। सो डूट मैं बताना चाहता था कि आप लोग भी सेबलोन लिक्विड यूज़ मत, मतलब सेबलोन मैं पहला जो लिक्विड प्रेफर करता हूँ वो मैं डेटोल प्रेफर करता हूँ, डेटोल का सोप भी मैं प्रेफर करता हूँ, और दूसरा जो है वो सेबलोन या सेबलोन का सोप। ओके तो अगर आप लोगों के पास डेटोल अवेलेबल है या मार्केट में डेटोल अवेलेबल है तो डेटोल ही यूज़ करना, और अगर नहीं मिलता तो सेबलोन, और सेबलोन भी नहीं मिलता तो आप का चॉइस क्या करोगे क्या नहीं मुझे नहीं पता। सो सो डूड ये देखो मोटा सा। तो गाइस अभी मैं आपके पास इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है जैसे कि मैं बताना चाहता था कि ये क्या टिकटॉक माइक एलेवी क्या लिखा है। अच्छा माइक्रोफोन क्रेविट, माइक्रोफोन क्रेविट परफॉर्मेंस, हाँ तो यहाँ पर लिखा है कुछ क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर, स्पीकर डायमीटर 10 mm, फ्रीक्वेंसी रेंज 18 to 20,000 Hz, सेंसिटिविटी 116 3 dB एट 1 kHz 0.5 rms, अच्छा इम्पेडेंस 32 ohms, और द वायर लेंथ 130 cm। यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, नहीं आया या थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक दो लाइन समझ में आया। और प्रोडक्ट फीचर एप्लीकेबल टू द 3.5 foot इंटरफेस ऑफ इंटेलिजेंट मोबाइल फोन्स, द स्टीरियो आउटपुट डायनामिक कॉम्बिनेशन, द बिल्ट इन माइक हैंड्स फ्री। सो और तो इसमें कुछ दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है कंपेटेबल विद आईफोन आईपैड आईपैड टच एंड्रॉयड और विंडोज स्मार्टफोन्स एंड मोर। सो दैट्स ऑल। चलो अब इसको मोबाइल पे लगाकर इसको ट्राई करते हैं। चलो ये इसका ये निकाल लेता हूँ। और डूड अभी तक मुझे ब्लॉग्स या वीडियोस बनाने में बहुत दिक्कत होती है बोलने में, सो गाइस इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और इस फिर से इस बैकग्राउंड के लिए नहीं, ये बाकी बैकग्राउंड से अच्छा ही है। सो गाइस ये देखो अभी मैं मेरा नाम पुकारूंगा, मतलब ये विदाउट यूजिंग माइक में मेरा नाम पुकारूंगा इस मोबाइल के साथ जो माइक था उसमें मेरा नाम पुकारूंगा, जैसे प्रज्वल राय। और आपको कैसे सुनाई देगा मुझे तो नहीं पता। और अभी मैं ये लगाऊंगा, मतलब माइक लगा के आपको बोलूंगा तो आपको कैसा सुनाई देगा मुझे भी नहीं पता। डूट मैं वीडियोस में बाद में देखूंगा। तो अभी मैंने ये जो माइक का क्या बोलते हैं आउटपुट या इनपुट जो भी हो इसको मैंने लगा दिया, और मैं अभी बोलूंगा कि हेलो हाय गाइस व्हाट्सअप फैम ब्रो। हाँ सो भाई प्रज्वल राय। सो डूट कैसा लगा आवाज़, मैं तो सुन भी नहीं रहा यहाँ से क्योंकि ये माइक है, इट्स नॉट ए हेडफोन माइक्रोफोन सॉरी इट्स नॉट ए हेडफोन या एयरफोन। ओके सो डूड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, प्रेफर कर सकते हो आप लोग। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा ज़रूर। और इसको मैंने 10th अगस्त के अभी आज कितना अगस्त है हाँ आज है 20th अगस्त, तो इसको मैंने 10th अगस्त के बाद ऑर्डर किया था। और इसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी मतलब पेटीएम मॉल ने बोल दिया था कि ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है वो 27th अगस्त है, लेकिन ये आज ही आ गया। टूट इतना फास्ट कोरोना पेंडेमिक में भी इतना फास्ट, ये हमारे शूटिंग के लिए बहुत काम आएगा, इतनी जल्दी उन्होंने भेज दिया। तो इसके लिए मैं पेटीएम मॉल इंडिया को
मतलब रियली थैंक्स बोलना चाहता हूँ. ओके सो गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट. और मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस ताकि मैं और वीडियोस ला सकूँ, कंटेंट्स ला सकूँ, आप लोग भी देख सको, एंटरटेन हो सको, फनी मोमेंट्स जैसे कि. तो यहाँ पर ये जो मैं क्लिप है तो ये मैं ब्लॉग करते समय या वीडियो करते समय मैं अपने जो टी शर्ट या शर्ट में उसको उसमें लगा दूंगा, तो बोलने में आसानी नहीं मतलब सुनने में आसानी होगी आप लोगों को. सो भाई तो और कुछ तो नहीं इसमें, और दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और वीडियो लंबा करके भी कुछ नहीं होगा. सो डूट. So guys, I hope you have enjoyed this video. If you had enjoyed this video, please did make sure to subscribe to my YouTube channel and stay updated. Baby. Dude. ठीक है guys, bye bye. यानी कितने समय में literally ये कितना बज रहा है? हाँ 6 PM बज रहे थे. मैंने 6:20 वाली ब्लॉक वीडियो ख़त्म कर दिया. सब सेटिंग्स वगैरह करने में समय लगते हैं, मतलब 5 to 10 मिनट्स में. बाय बाय.